नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। हम आज बात कर रहे हैं लोगों के प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के प्रति टूटते विश्वास की। हम बात कर रहे हैं 4.5 माह से धरना दे रहे बाइक बोट पीड़ित निवेशकों की। वक्त ही विश्वास पैदा करता है और वक्त ही विश्वास को खत्म भी कर देता है। बाइक बोट निवेशकों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 4.5 माह बाद भी निवेशकों को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ भी जुलूस निकाल दिया। 4.5 माह से ये निवेशक दादरी स्थित बाइक बोट कार्यालय पर धरना रहते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जिस वक्त इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था तो मोदी व योगी से ही उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें पैसे वापसी के रूप में न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। लिहाजा 4.5 माह में उनका विश्वास देश व प्रदेश के दोनों ही मुखियाओं से टूटता नजर आ रहा है। उन्होंने दादरी कोट गांव कार्यालय से जुलूस निकालकर अपने बागी तेवर दिखा भी दिए। उनकी अब यही मांग है कि उनका पैसा वापस दिला जाए। वे पुलिस गिरफ्त से दूर हो चुके बाकी निदेशकों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। करीब 3 साल में गृहित इनोवेटिव प्रमोटर्स के निदेशक संजय भाटी व उसके गुर्गों ने लालच का ऐसा मायाजाल बना कि देखते ही करीब 5 लाख लोग उसके चंगुल में फंस गए। आकलन किया जा रहा है कि करीब 42,000 करोड़ रुपए इन घोटालेबाजों की टीम ने भोली भाली जनता से हड़प लिए। अपनी जमा पूंजी व मकान आदि गिरवी रखकर बाइक बोट में पैसा लगाने वाले निवेशकों को जब इस घोटाले का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल संजय भाटी व उसकी टीम का गोरख धंधा सभी के समझ में आ रहा था, लेकिन निवेशकों के पास भाटी की बातों पर विश्वास करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। वह बराबर दावा कर रहा था कि पैसा सभी का मिलेगा, बस थोड़ा सब्र कर लो। उसने अलग अलग बैंकों के निवेशकों को अलग अलग सिग्नेचर वाले चेक यह कहते हुए दिए कि 1 साल बाद ये सभी कैश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर धरना दिया, जंतर मंतर तक जुलूस निकाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे यहाँ उल्लेखित किया जाए। गंभीर बात यह है कि संजय भाटी व उसके गुर्गों के खिलाफ विभिन्न जिलों में 38 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पुलिस ने भाटी में उसके गुर्गों पर हाथ नहीं डाला। संभवतः भाटी के इस कथन के कारण ही कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ और रिश्वत देकर छूट भी जाओ। केवल नोएडा में ही 46 मुकदमे भाटी एंड कंपनी के बाकी ठगों के खिलाफ दर्ज हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में घोटालेबाजों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। SIT नोएडा ने अपनी जाँच में 21 लोगों को दोषी बताया था, जबकि धरने पर बैठे लोगों के मुताबिक आंखों में मिर्चे डालने जैसी इस लूट में 58 लोग लिप्त हैं। इन लोगों में संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल व मुख्य कर्ता धर्ता BN तिवारी भी शामिल है। बाद में जब पुलिस की फजीहत हुई तो आरोपियों की संख्या 38 कर दी गई। इस लिस्ट में दीप्ति व BN तिवारी का नाम अंतिम पलों में जोड़ा गया। संजय आदि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10 आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है, जबकि 28 लोग अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। धरने पर बैठे निवेशकों का कहना है कि पुलिस ने अपनी कागजी कार्रवाई तो पूरी कर ली, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इसमें संजय भाटी की पत्नी दीप्ति, भाई व अन्य समेत BN तिवारी शामिल हैं। पुलिस की इस हीला हवाली व न्याय न मिलता देख शांति से दादरी कार्यालय पर धरना दे रहे निवेशकों के तेवर अब उग्र होने लगे हैं। बीते दिवस उन्होंने काली पट्टी बांधकर दादरी कोट गांव स्थित कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए दादरी तहसील पहुंचकर अपना मांग पत्र तहसीलदार सीमा सिंह को दिया। इस पैदल मार्च के दौरान निवेशक लगातार मोदी व योगी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए BN तिवारी व दीप्ति समेत अन्य दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आइए देखते हैं कि निवेशकों के पैदल मार्च को। लूट लिया, इसलिए रोड में तो ना पढ़ावार की मजबूरी, बच्चे बर्बाद हो गए, पढ़ाई लॉस, माँ बाप बीमार पड़े हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, करें क्या,
मरने मर तैयार है। 4 महीने हो गए 5 महीने हो गए डर में बैठे हुए शांति प्रिय माहौल कर रहे हैं, फिर भी सर वो सुनने वाला नहीं है। ना मोदी जी, ना योगी जी, कोई नहीं सुनता हमारी, ना पुलिस प्रशासन, ना शासन, कुछ नहीं सुनता हमारी। अब या तो मरेंगे या मारेंगे बहन, जो खुदा खराबा करेंगे। भाई सीधी सी बात है, यहाँ की सत्ता में, जहाँ सत्ता में एक वादा करेगा मोदी जी ने, यहाँ सीख आम जनता का कह रहा था और भ्रष्टाचार मिटा तुम्हें, काला धन बाहर तला तुम्हें। मैं काले धन की बात करूँ, कुछ ठग भाई वोट बड़े ये मतलब बात है, 46,000 करोड़ का ही घोटाला है जिसमें 5 लाख परिवार कहाँ पर हुआ है ये? ये बाइक वोट ऑफिस है गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पर इसके बैग बाइक वोट के नाम से कंपनी खुली जिसमें बाइक वोट लगाओ, बाइक लगा थी 62,100 में, और उसके बदले में साल भर में मतलब किस्त वाई 97,065 मिला थे। और मतलब बात ऐसी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। हमें 4.5 महीने से धरने पे शांति पूर्वक बैठे थे, हमें उम्मीद थी कि योगी जी सरकार कुछ करेगी, मोदी की सरकार कुछ करेगी, लेकिन अब हमारा सबर भी टूट गया और अब हमारा जो है विश्वास भी टूट गया है। अब हमें ना मोदी पे विश्वास लग रहा है, ना योगी पे लग रहा है। अब हम जो है इसलिए सड़क पे उतरे हैं, आज हमारा शांति मार्च है, और शांति मार्च के साथ साथ अगर हमारी अब भी बात जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने या यूपी सरकार ने नहीं सुनी, तो उसके बाद हम लोग जो है कुछ उग्र रूप भी ले सकते हैं और हम और कुछ भी कर सकते हैं। उसका अंदाजा शासन या प्रशासन उसी टाइम लगाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी जान भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी इज्जत और धजियत हमारे समाज में हो रही है इस बाइक वोट की वजह से। इसलिए जो है अब हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए आज इस तपती हुई धूप में इतने लोग जो सड़क पर उतरे हैं, और आने वाले समय में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। आपने देखा निवेशकों के रोष को, पुलिस की सुस्ती पर आक्रोश को, और घोटालेबाजों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवालिया निशान लगाते निवेशकों को। सवाल यही है कि आखिर इन निवेशकों का योगी व मोदी से क्यों विश्वास डगमगा रहा है? क्यों इन लोगों के 4.5 माह बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों इस घोटाले में लिप्त दीप्ति बहल व बीएन तिवारी जैसे बड़े मगरमच्छों पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है? आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर पुलिस ने क्यों अपनी ड्यूटी की दृष्टि कर ली है? ये वे सवाल हैं जिन पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।